अगर आपके कपड़े कोरोना वायरस के संपर्क में आ जाएं तो आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए वायरस से बचने के लिए चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई किट का प्रयोग कर रहे हैं। पीपीई किट आपके कपड़े और आपको वायरस से बचाती है। हालांकि ये किट सभी के लिए उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इस समस्या का समाधान धनबाद झारखंड के आईआईटी आईएसएम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के वैज्ञानिकों ने तलाशा है। इन वैज्ञानिकों ने नैनो प्रौद्योगिकी के सहारे पॉलीमेरिक सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग तैयार की है। ये विशुद्ध स्वदेशी तकनीक है। इस तकनीक में कोरोना वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्षमता है। इस परत को कपड़ों पर सुसज्जित कर दिया जाए तो उसके संपर्क में आने वाला वायरस जीवाणु फफूंदी जैसे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे। इस तरह कोटिंग के जरिए आपका हर ड्रेस और कपड़ा पीपी किट की तरह काम करने लगेगा, फिर आसानी से आपका संक्रमण से बचाव हो जाएगा। इस कोटिंग के अंतिम चरण का परीक्षण प्रयोगशाला में चल रहा है। अब तक के परीक्षणों के परिणाम सकारात्मक आए हैं। उम्मीद है कि सब कुछ आशानुरूप रहा तो जल्दी ये चलन में आ सकती है। सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग बनाने वाले आईएसएम के रसायन अभियंत्रण विभाग के प्रोफेसर आदित्य कुमार बताते हैं कि कई परीक्षणों के बाद इसे तैयार करने में सफलता मिली है। प्रयोगशाला में अंतिम चरण का परीक्षण हो रहा है, उसमें भी परिणाम आशातीत आएगा। यदि आम लोग इस परत से लैस कपड़े पहनेंगे तो वस्त्र के संपर्क में आते ही कोरोना नष्ट हो जाएगा, संक्रमण से उनका बचाव होगा, दूसरे भी संक्रमण से बच सकेंगे। प्रोफेसर कुमार ने बताया कि रसायन विज्ञान के सामान्य सिद्धांत आयनन के आधार पर ये कोटिंग काम करेगी। इसको तैयार करने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया गया है। इस यौगिक को अवक्षेपित किया जाता है, इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं से सिल्वर के नैनो कण बनाए जाते हैं। इनसे ही कोटिंग तैयार की जाती है। जीवाणु और कोरोना वायरस जैसे सूक्ष्म जीव जब इन नैनो कण के संपर्क में आते हैं तो ये उसके प्रोटीन के बाहरी खोल को तोड़ देते हैं। इससे अंदर मौजूद राइबो न्यूक्लिक एसिड आयन यद निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी कोटिंग संभवतः पहली दफा भारत में तैयार हुई है। हम लोग हाइड्रोफोबिक और सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग बना रहे हैं, दैट विल बी यूज फॉर दी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो एंटीबैक्टीरिया, एंटी फंगल, एंटीवायरल होगी इसकी। तो इसके ये डायरेक्टली हम क्लोथ पे बनाएंगे। इसके बाद हमारे हेल्थ वर्कर लाइक नर्सेज, डॉक्टर के लिए कभी पीपीई किट पहनने की जरूरत नहीं होगी। सिंपल सा एप्रन पहनेंगे और उस पर वायरस आएगा नहीं और ड्यूरेबल होगा। ये नहीं है कि एक बार आया और एक बार यूज करने के बाद उसे थ्रो करना पड़ेगा। यू कैन यूज और यू डोंट नीड टू वॉश दैट। सो हमारा टारगेट ये होगा आने वाले समय में, हम लोग सिर्फ क्लोथ पे बनाए और डायरेक्टली वो यूज किया जा सके हेल्थ वर्कर के लिए। इवन हम लोग अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। और ये सिर्फ नॉट ओनली एंटीबैक्टीरिया, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होंगी इसकी, इसके अलावा ये सेल्फ क्लीनिंग भी होगा। तो जैसे आपकी डर्ट आई तो आपको धोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही सेल्फ क्लीनिंग होगा। और ये एंटी स्टेन रेसिस्टेंस होगा, तो मीन्स व्हेनेवर यू फील लाइक यू नो खाने के आपके कुछ दाग आपके कपड़े पे गिरे, इसमें नहीं होगा ऐसा। तो आपको कोई धोने धाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा आप रखिए। अभी का जो पीपी किट और ये कुछ में क्या अंतर? आपकी जो पीपी किट है वो पॉलीमर बेस्ड है, यू नो जो इट्स नॉट इजी टू कंफर्टेबली वेयर। आप एसी में बैठे हैं आप पहन सकते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे कैसे पहनेंगे? लेकिन कपड़े की होगा, कपड़ा होगा डायरेक्ट, कपड़े तो हम लोग पहनते ही हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल से एप्रन पे बना के बनाई जा सकती है। इवन आपके जो N95 जो हम लोग एक बार यूज करते हैं, खासकर हेल्थ वर्कर, वो एक बार में ही उसको यूज करके फेंक देते हैं और फिर फेंकने के बाद उसका फिर जो आपका कंटेमिनेशन है और बढ़ता जाता है, ठीक है। हम लोग उसको सही से डिस्कार्ड भी नहीं करते हैं। अब इसमें यदि हम कोटिंग कर देंगे तो आपको फेंकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यू कैन री यूज। सेकेंड डे आइए, फिर पहनिए, फिर काम करिए अपना। हाँ, अपने आप ही होता है, अब वायरस आएगा नहीं,
एंटीवायरल होगा, एंटी बैक्टीरिया होगा, एंटी पैथोजेनिक होगा, तो आपको द्वार से यूज कर सकते हैं। और हम लोग की कोशिश ये है कि ये ड्यूरेबल रहे, ये सिर्फ ऐसा ना हो कि आज रहे कि कल फ्रीज का यूज ना कर पाए। ड्यूरेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये एक्सपेरिमेंट आपका कहाँ पर था, किस स्टेज में? हम लोगों ने सुपर हाइड्रोफोबिक सिल्वर नैनो पार्टिकल यूज करके बना लिए हैं लैब में, लैब स्केल पर, और उसकी हमने सारी करेक्टराइजेशन कर ली है, प्राइमरी करेक्टराइजेशन, इवन ड्यूरेबिलिटी भी हमने उसकी टेस्ट कर ली है, हमने उसके बैक्टीरिया टेस्ट कर लिए हैं एंड फंगी टेस्ट किए हैं एंड वी फाउंड वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो आवर क्लॉथ विद द कोटिंग कैन यूज फॉर बैक्टीरिया किलिंग और फंगी किलिंग, राइट। वायरल टेस्टिंग अब हमारी रह गई है और हम लोगों की बात चल रही है लैब्स में और वायरोलॉजी लैब में, और अभी होप कि जल्दी हम लोग के रिजल्ट आ जाएंगे।